स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जाएंगे गोवा से न्यू दिल्ली, और फिर इंडिगो लेट हो गई है। पता नहीं क्या हो गया, इंडिगो को बार बार लेट होती है। अभी हम लोग हैं D3 पे, अब अंदर घुसते हैं फिर दिखाते हैं आपको। भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, तो ये देखो बोर्डिंग के लिए इधर भी लगी हुई है। और यहाँ पर डीजी यात्रा काम नहीं करता भाई, मौसम बहुत मस्त हो रहा है देखो यार। सो भैया अंदर आ गए, अंदर आते ही ये सारा आर्टवर्क लगा हुआ है। ये देखो इस साइड टॉप लगी हुई है, टॉप ये देखो। चलो अब अंदर चलते हैं। अच्छा अंदर आते वक्त जब CISF है उसने ये पूछा भाई, और आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि गोवा में दो एयरपोर्ट हैं, एक है डम्बोलिन और एक है मोपा। तो हमेशा आते वक्त ये चेक कर लीजिएगा कि भाई आपकी जो फ्लाइट है वो कहाँ से है। तो इंडिगो उस साइड है, आगे चलते हैं। इंडिगो कहते हैं बी वाला एयर इंडिया है, सी वाला दिखा रहा है इंडिगो, तो सी की तरफ चलते हैं और चेक इन कर लेते हैं। तो भाई ये रैपिंग मशीन भी है जैसे दिल्ली में लगी हुई है ना, दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ चार्जेस लगते हैं, रैप हो जाता है। तो भाई बोर्डिंग पास ले लिया। अच्छा मैंने एक चीज़ ये पूछी अभी जिन्होंने हमारा बोर्डिंग पास दिया, कि अगर आपने चेक इन कर रखा और आपके पास डिजिटल बोर्डिंग पास है तो वो भी अलाउड है भाई। ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला ले कर ही चलना है। बाकी आगे चलते हैं बताते हैं। तो इधर एयर एशिया लगा है, और सिक्योरिटी के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और सारे गेट्स A to J भी ऊपर ही है। इधर से चलते हैं। और लिकर फैन है भाई, हैंडबैग में दारू नहीं ले जा सकते आप, इसके पॉइंट के आगे। इधर भाई खाने पीने की दुकान मुंबई से, इस साइड कपड़ों की है। ये पूरा मैप दे रखा है, आओ दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा व्यू बता रहा है इसमें भाई। पीछे जो है प्लेन लगे हुए हैं, एक ये वाला है, ऊपर से 3D मॉडल बनाया है। और सामने जैसे मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, थोड़ा जल्दी में अभी आपको दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी से पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो गांधी जी की फोटो दिख रही है आपको यहाँ पे, और चरखा भी है यहाँ पे। ये देखो ये रहे बापू गांधी जी, ये रहे इनका चरखा। और उधर वो भी रखी हुई है बुक। इस साइड दांडी यात्रा का पूरा इंस्टॉलेशन लगा रखा है। दांडी यात्रा को पता है ना किसके लिए की गई थी, वह सिक्योरिटी चेक हो गई है। और सिक्योरिटी में भाई साहब हर चीज़ को ये ट्रे में रखवाते हैं, चाहे आपका बैग हो छोटा हो बड़ा हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस साइड भाई चोकोबे नाम से जहाँ पे चॉकलेट्स हैं और कुछ गिफ्ट आइटम है, और इधर गोवा की फिर से थीम है। इसको देख के धूम 2 धूम 3 याद आ जाती है, जिसमें क्लाउंस ढेर सारे थे याद आ जाती है। उसको देख के जूम करके दिखाता हूँ आपको, धूम वाला सीक्वेंस याद है, धूम मचाले, इसी में से ऋतिक रोशन निकलता था। धूम मचाले। और इस साइड सारी चॉकलेट्स लगी हुई हैं महंगे वाली। और भाई भीड़ आप देख सकते हो गोवा एयरपोर्ट पे, लग रहा है कि हम लोग ISBT में आ चुके हैं। इतना पैसा आ रहा है लोगों के पास देखो घूमने का। मैं तो भाई साहब बिजनेस ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन भीड़ देखो आप, दबा के भीड़ है। अब चलते हैं टॉयलेट। भाई प्लास्टिक बोतल को डिस्पोज करने के लिए भी इन्होंने बनाया है, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर डाल सकते हो। और उस साइड है पानी पीने वाला, तो महंगा पानी खरीदने से अच्छा आप यहाँ पर पानी पी सकते हैं फ्री में। और इसमें तरीका भी दिखाया गया है, अगर आपको नहीं आता है ऐसे पिया जाता पानी, देखो लड़की बता रही है। तो भाई ये यहाँ का लाउंज है, गुड टाइम्स बार है ना। एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ, अगर वो आ गया तो चलते हैं, क्योंकि अकेले में मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। तो भाई जो आपको फ़ैन दिखाया था मैंने, जो हमारे रिजॉर्ट में था भाई, उतना बड़ा फ़ैन यहाँ पर भी लगाया है देखो,
एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। सामने उधर राइट हैंड साइड पे फूड कोर्ट है, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था उधर राइट में, लेकिन बहुत भीड़ है भाई। इस साइड लाउंज जो आपको दिखाया था, और ऊपर जो है इन्होंने बना रखा है, सी लाइफ दिखा रहा है। तो भाई लाउंज में खड़े थे तो हमें ये मिल गया भैया, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना कौन कौन से कार्ड्स अलाउड हैं। ICICI, HDFC, कोटक, SBI, RBL, एक्सिस, इंडसइंड, और पीछे भी है, पीछे में है IDFC, सिटी बैंक, AU बैंक, DBS, IDBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे हैं यहाँ पे। HDFC मिलेनियम है। तो भाई अंदर आ गए हैं और काफ़ी बढ़िया सजा रखा है देखो इन्होंने, लेकिन भाई बहुत कम जगह है। देखो बैग मैंने यहाँ रखा है, और अगर मैं ओवरऑल दिखाऊँ तो बहुत कम जगह है भाई, बहुत छोटा लाउंज है। और यहाँ पर बियर चार्जेबल है, सिर्फ खाना फ्री है भाई। तो ये सामने इनका बार है, म्यूजिक व्यूजिक चला रखा है इन्होंने। किंगफिशर तो भाई यहाँ पे पानी भी बिकता है, और बियर की बात करो अल्ट्रा है, और गाने चल रहे हैं बियर के बाद। एक चीज़ बढ़िया है भाई, सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है, फोन लगा कर चार्जिंग। तो भाई आ गए खाने, इस साइड सूप है, इस साइड इन्होंने सैलड वैलड दे रखा है, कुछ लेते हैं। और उस साइड राइस वाइस है भी दिखाता हूँ, प्लेटें नीचे रखी है। इस साइड जीरा राइस है, क्वालिटी देख सकते हो आप, बहुत ठीक है। नहीं, ये दाल है ये। और इस साइड क्या है, वेज वेज हैदराबादी, ये क्या है, मिक्स वेज में ग्रेवी बना दी। और क्या, अच्छा, और बगल में क्या है, वो भी कुछ तो है, हाँ देखते हैं। तो ये वेज डम्पलिंग है, प्लीज थोड़ा चला के दिखाइए मुझे। ये बेसिकली ये स्ट्रीट के मोमोज हैं सर, स्ट्रीट के मोमोज, चला के दिखाइए सर, गली के मोमोज की वेज डम्पलिंग। ओह, मंचूरियन टाइप बना दिया, वो भी ग्रेवी वाला। तो भाई इस साइड पराठे लगे हुए हैं, पतले पराठे अच्छे लग रहे हैं, है ना। और इस साइड लगा हुआ है हाका नूडल, ठीक लग रहा है, चाइनीज खाना है। स्वीट में गुलाब जामुन है और दूधी हलवा है, उधर सैंडविच है, और कॉर्नर पे बटर चिकन। सो ये है चिकन टिक्का, चिकन टिक्का तो नहीं लग रहा, बटर चिकन ही लग रहा है। भाई ये प्लेट ली है, ये खा रहा हूँ मैं। तो भाई सोचा लाउंज में जाने से पहले आपको रेट दिखा दें भाई, क्योंकि रेट यहाँ देख लो बियर के कितने हैं, 670, और ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग बाहर में, है ना, बोर्ड का भी है, विस्की भी है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, देख लेना आप आराम से, यहाँ बैठ के आराम से पी सकते हो ये व्यू के साथ। सुबह खाना खा लिया, लाउंज से बाहर निकल गए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और आपको बता दूँ, और बियर वाला तो आपने देख ही लिया कि पेड बियर है भाई, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपसे 1200 रुपये ले लेंगे ये खाने पीने का। तो आपकी मर्जी है कि आप 1200 यहाँ लगाना चाहते हो या फूड कोर्ट में लगाना चाहते हो। भाई इससे फ्रिज मैगनेट्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे 200 रुपीज़ ईच बता रहे हैं, इनमें से एक ले लेता हूँ मैं एज ए मेमोरी। ऐसे तो आ तो मैं बहुत बार चुका हूँ, बट कभी फ्रिज मैगनेट लिए नहीं, सोच रहा हूँ इस बार ले जाऊँ। भाई छोटे बच्चे गए देखो, सूटकेस इसमें लगा टॉय, ये बड़ी देर से खेल रहा है, मस्त लग रहा है, मैं भी अपने बेटे के लिए लूँगा। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो गई, और बोर्डिंग में आप 200 रुपये दे के स्किप कर सकते हैं क्यू को, और यहाँ पर जोन वाइज नहीं हो रही है बोर्डिंग भाई, बोल रहे सबको एक साथ आ जाओ। सो भाई 2:19 हो गया, इन्होंने बोला गेट नंबर 14 पे जाओ, तो हम लोग उस साइड थे इस शीशे के इधर, और अब इधर चल रहे हैं। तो सामने भाई बड़ा सा ये पेंटिंग लगी हुई, यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, पोर्टुगीज़ टाइम की लड़ाई का दिखा रहे हैं भैया, देखो इधर। फिर इस साइड से चलते हैं 14 नंबर पर, बग्गी भी ले सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत है, है ना। सो मौसम बाहर का क्लाउडी है भाई, ये देखो दिखाई भी था, नीचे सारी काली पीली टैक्सी लगी है, वो देखो इधर से दिख रहा है, बॉम्बे की याद आ रही काली पीली देख के, इधर से है 14 नंबर। इधर लगे हुए हैं प्लेन्स अपने, इस साइड ये लगे हुए हैं, वो देखो। तो भाई इधर लगा हुआ है, पास से दिखा देता हूँ, ये लगे हुए अपने इंडिगो,
एस्केलेटर ख़राब हो गया है, सब लोग सामान लेके ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। भाई समझ में नहीं आता, एक जगह से लाइन लगी फिर दूसरी जगह लाइन लग गई, लाइन ही में खड़े रहो बस। तो भाई फाइनली बस में बैठ गया और काफ़ी 45 मिनट से पता नहीं इतने टाइम से घूमते चले जा रहे हैं, बस घूमते ही चले जा रहे हैं। नज़र लगा बस तारा, हमें जाना इंडिगो से, आई थिंक आगे इंडिगो है, वहाँ वाले में चलते हैं। ये रहा, ये भी नहीं है, एक और विस्तारा लगा, विस्तारा के आगे इंडिगो और लगा। तो भाई आ गया यहाँ पे, फिर से लाइन है। अरे भाई भाई इतनी भीड़ है, इधर देखो जरा यार, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ कितनी भीड़ है। मेरी आवाज ही पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, सब लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखो, और एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, बस यही हो रहा है। तो भाई पहले हमें लगा था कि उधर वाले में जाना है, बट भाई साहब इधर देखो जरा लाइन ही लगी हुई है इतनी ज़्यादा। लगता है ये 320 आज पूरे 320 लोगों को लेके जाएगा इंडिगो आज, लगता है। तो भाई बारिश से बचाने के लिए आई थिंक ये लगा रखा है इन्होंने, पन्नी हो रही है क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी अभी। भाई यहाँ तो लोग कुछ ज़्यादा ही फोटो खींच रहे हैं भाई, ये देखो, ये देखो फोटो ही फोटो चल रही है। चलो फाइनली ऊपर आ गए, इंडिगो ने लेट करा दिया। ये 320 है भाई, काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है और पूरे लोग भरे पड़े हैं। वो देखो नीचे भी अभी भी वेट कर रहे हैं लोग। तो भाई 3 बज गए हैं, है ना, अब जाके टेक ऑफ करने वाला है प्लेन। और देख सकते हो आप कि भाई बादल कैसे हो रखे हैं यार, ये रनवे पे उधर दो लगे हुई हैं फ्लाइटें, एक विस्तारा आ गए। अरे वो सुबह 3:12 हो गए हैं और अभी तक प्लेन चल रहा है और ये हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से। गोवा एयरपोर्ट पर काफ़ी हेलीकॉप्टर भी दिखते रहते हैं यार, आई थिंक इंडियन आर्मी का है या गवर्नमेंट का है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं आया था तो भी मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहे थे काफ़ी। चलो एनीवेज वेट कर रहे हैं टेक ऑफ का, ये मोड़ेगा, मोड़ के जो सामने रनवे दिख रहा है इसके थ्रू ये टेक ऑफ करेगा। सो भाई एक पीछे भी लगा हुआ है हमारा, ये हमारे बाद ये उड़ेगा, ये कतार में है लाइन में, जैसे अभी हम लाइन में लगे हुए थे उसी तरह। 3:14 हो रहे हैं, अब टेक ऑफ करने वाले हैं भैया फाइनली गोवा से। ये फ्लाइट हमारी 1:55 की थी, लेकिन भाई इतना डिले हो गई कि क्या बताऊं। और अब फाइनली ये पीछे छोड़ दिया हमने गोवा एयरपोर्ट और ये हवा में उड़ने जा रहे हैं बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ये देखो इंडियन एयरफोर्स के थे वो, ये देखो जहाज इंडियन एयरफोर्स के थे जो मैंने आपको दिखाए थे, पीछे पंजाबी बैठे हैं सारे चिल्ला रहे हैं वो कर रहे हैं। ये देखो क्लाउड्स, देखो तालियां बजा रहे हैं भाई। ये देखो अरेबियन सी और तेरा बीच, यहाँ से बीच देख लो भाई, जो बीच नहीं देख पाए थे आप होटल से वहाँ पे देख लो। लेकिन बादल कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं यार, भाई यहाँ तो जो बोले सोनी हाल श्री अकाल। ये देखिए फर्स्ट टाइमर्स हैं आई थिंक, ये देख सत श्री अकाल। अरेबियन सी का नज़ारा दिख रहा है आपको, प्लेन एकदम मुड़ी वाली पोजीशन पे है भाई। कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम है तो शायद डर रहे होंगे, बस और ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं अब। नीचे दिख रहा है आपको बादल, बारिश वाला जो माहौल था वो इसी वजह से था क्योंकि इतने बादल हैं ऊपर। अब तो हाइट जैसे बढ़ती जाएगी हम बादलों के बीच में उड़ते चले जाएंगे। ये देखो हाइट
बढ़ रही है। और मेरी सीट नंबर है 16F, तो जो 16F वाली सीट है वो देखो उसके पीछे ये इंजन लगा होता है ये वाला, और कॉर्नर पे देखोगे तो विंग्स भी हैं ये रहे। जब मैं आया था गोवा तो भी मैं 11F पे बैठा था तो भी मुझे विंग्स दिख रहा था। अभी ऊपर आ गए हम, बादलों के ऊपर आ गए हम, लैंड होने वाले हैं कुछ देर में। पहली बार मुझे एयरक्राफ्ट दिखा है, एयरक्राफ्ट के अंदर से दिख नहीं रहा होगा, बहुत दूर है। सुबह 3:15 पे छोड़ा था गोवा और 5:20 के अप्रॉक्स हो रहा है पहुँचने वाले हैं, दिल्ली लैंड होने वाले हैं। और ये पीछे आपको जो धुंधले में दिख रही है यमुना नदी है, नीचे दिल्ली का नज़ारा। ये भी काफ़ी धुंधला सा लग रहा है भाई, या तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है नीचे और या तो बारिश, कोई दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा धुंधला सा लग रहा है भाई। स्टेडियम आ गया JLN, जवाहरलाल नेहरू JLN स्टेडियम देख लिया होगा आपने भाई। एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रिप बनाया हुआ है, आई थिंक पुराना ये सफदरजंग वाला होगा पुराना, एक छोटा सा तो सबसे पहले वाला एयरपोर्ट था उसका ही है ये। सारा बसंतपुर वाला एरिया, नीचे ट्रैफिक देखो यार आज, अभी तो ऑफिस आवर हुआ नहीं है, धीरे धीरे जैसे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा भाई बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। देखो पूरा मेट्रो का ब्रिज गया हुआ है जो आप दिख रहा है दूर तक, ये मेट्रो लाइन गई हुई है। फिर देखो ट्रैफिक, बस कुछ देर में लैंड हो जाएंगे। धुंधला धुंधला सा आ गए भैया दिल्ली के आउटर में, बस लैंड होने वाले हैं जल्दी। खोद के पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे, मॉल बन रहा होगा, ग्रीन एरिया आ गया ये। और ये एयरपोर्ट्स वाला बस लैंडिंग के लिए 1 मिनट के अंदर ये इंडियन एयरफोर्स की कुछ प्लेन्स रखे हुए थे और 3-2-1 लैंड हो गए। 5:30 बज रहा है अभी, 5:30 हम लोग लैंड हुए। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो 3:15 या 3:20 पे आए होंगे, 5:30 लैंड हो रहे हैं भाई। जेट एयरवेज बंद हो गया लेकिन इसके फ्लाइट अभी भी यहाँ पर है, टर्मिनल 2 पे देखो। कुछ तो स्पाइस जेट ने खरीद लिए थे, सनसेट होने वाला है। और इस सामने से एक और एयरक्राफ्ट आ रहा है, यहाँ से टेक ऑफ करेगा ये रहा। और इधर लगा हुआ है स्टार एलायंस का एक, अभी टैक्सी करके पार्किंग में लगाएगा प्लेन, फिर उतरेंगे हम। तो भाई अभी 5:45 जाएंगे यार, पिछली बार भी जब मैं उदयपुर से आया था तब भी लेट कर दिया था इंडिगो ने। उस समय उतारता है जिस समय हम घर पहुंचने वाले होते हैं, सोचो इतना लेट कर रहा है इंडिगो, क्या ही बताया जाए। फेमस था इंडिगो ऑन टाइम अराइवल, उसी चीज़ को लेट कर रहा है। इधर लगाएगा ये 8:20 के पास ये बंदे खड़े हैं ना, यहाँ पर लगाएगा ये भाई। उधर नहीं लगाया इसने और आगे लेके जा रहा है ये लगा हुआ है एयर इंडिया का। टर्मिनल 2 में भी काफ़ी गेट हो गए हैं भाई, ये लगा रहा है A06 पे लगाएगा शायद यहाँ पे। हिंदुस्तान में कभी नहीं सुधरेगी वही, जैसे ही प्लेन लैंड होता है लोग खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या 5 मिनट बचा लेंगे। और यहाँ अभी तक सामान नहीं लगा हुआ है, क्या ही बताया जाए। लोग उधर पीछे से भी जा रहे हैं। तो भैया उतर गए हैं दिल्ली के एयरपोर्ट और अब चलेंगे एयरपोर्ट से बस में। यहाँ सारे इंडिगो के प्लेन लगे हुए हैं,
इतना लेट कर दिया, आप ये बस में ले जाएंगे और बस से जाएंगे हम अपने टर्मिनल के अराइवल पे। भाई फ्लाइट की तरह बस भी इनकी हाउसफुल हो गई है। अब दूसरी गाड़ी आ रही है, मतलब दूसरी बस आ रही है, इसमें घुसेंगे हम लोग। चलो भाई बस में बैठ गए, चलते हैं आगे बैठने के लिए ताकि आपको सारा नज़ारा दिखाता रहूँ। ये कुछ बस आगे जा रही है, ये लगी पड़ी है, इसके पीछे जाएगी। इधर एयर इंडिया का लगा हुआ है, इस साइड ये खड़े हुए, इंडिगो खड़ा हुआ है पूरा। सनसेट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको विंडो से, देखिए आ गया इंडिगो। ये रहा भाई, प्लेन को बाहर निकाला जा रहा है, रास्ते में आ गया, ये इसको हटाया जा रहा है यहाँ से ताकि बस चल पाए। आप मजाक लग रहा होगा लेकिन सच में, ये देखो प्लेन को हटाया गया है, हटाया जा रहा है इससे ताकि बस चल पाए। अब देखो बस चलती नहीं है वाली, आपको मजाक लग रहा होगा, ये देखो उसको उधर पार्क कर रहे हैं, गलत पार्किंग कर दी थी इसने। ये था अपना वाला प्लेन भाई, घूम फिर के इधर ही आ गए। और अब इंडिगो ने तीन तरफ से बेसिकली, ये दो डोर आपको दिख रहे होंगे, एक आगे वाला, एक पीछे वाला और एक उधर राइट हैंड साइड पे, तो थ्री डोर एग्जिट करने वाली पहली एयरलाइन बन गई ये इंडिगो। ये रहा जो मैं राइट हैंड साइड वाला डोर बता रहा, तो ये अलग लाइन दो एयर लगे हुए सारे सामने आ जाएंगे। वेलकम टू T2 एयर आई। भाई बस और प्लेन दोनों खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कन्वेन यहाँ हवाई अड्डा है या पार्किंग लॉट है। ये देखो ये बचा हुआ है, ये इधर खड़ा हुआ है, उधर पीछे गो फर्स्ट और गो एयर दोनों लगा हुआ है। इस साइड से लेके जाएगा भाई, पता नहीं कहाँ से वहाँ से लेके जा रहा है। तो भाई आ गए अराइवल गेट की तरफ, जो टॉयलेट है, अभी टॉयलेट जाता हूँ मैं। भाई 6 बज गया यार, 6 बज गया भाई, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। सो भाई एज पर प्लान 4:30 बजे में लैंड होना था और ये भाई 5:30 बजे लैंड हुआ, टैक्सी करते करते 6 बज गए। काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया इंडिगो ने भाई, पता नहीं क्या हो रहा है इंडिगो को, बार बार हर चीज़ डिले करती जा रही है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, बैग मैंने इनको दिया नहीं था, नहीं तो और ज़्यादा डिले होता और अब दिल्ली में ट्रैफिक लग गया होगा बहुत ज़्यादा। वो देखो बैग वाली लाइन दिखाता हूँ, वो देखो बैग वाली लाइन दिख रहा है, जिन लोगों का बैग आना है वो देखो। तो भाई जैसे टर्मिनल 3 में लगा हुआ है हेमलेस का, रिलायंस का, उसी तरह यहाँ पर भी है। इधर WH स्मिथ है, इधर कोको बे है, हल्दीराम भी है और ये एग्जिट है। इधर सारी बेल्टें हैं, है ना। अब बाहर निकलते हैं भाई, चार्जिंग पॉइंट भी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कहीं दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो यहाँ से पूछ सकते हो सामने से। अब यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा मैं, कार रेंटल के लिए सीधे, बाकी ट्रांसफ़र के लिए लेफ्ट। यहाँ से टैक्सी वैक्सी ले सकते हो, मेरा मानना ये है, और सबसे सस्ती टैक्सी अगर तुम्हें लेनी है तो ब्लू स्मार्ट की लेना, थोड़ा पहले बुक कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। अब यहाँ से एग्जिट है भाई, बाहर निकलते ही ये टैक्सी और सिटी बस वाले, ये देखो खड़े ढेर सारे। इधर एग्जिट है, एग्जिट करते हैं और इस ब्लॉक को भी एग्जिट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी टाइम लगा पहुँचने में दिल्ली से। गोवा वाला ब्लॉक देखिएगा और ये गोवा से दिल्ली वाला है, तो इधर से बाहर से निकलूँगा मैं। ये रहा, ये है बेसिकली। तो मैंने अभी उबर बुक किया है, उबर का पिकअप पॉइंट ये सामने लिखा है ना, ओला और उबर। चलिए ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।